पापा को थोड़ा सा दुख है क्योंकि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आदमी जाता क्यों है, वापस लौट के आने के लिए। बाय 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 मासी बाय बाय। अरे भाई जीवता रो ब्याह सुखी रो न पाथा पॉकिन फोन कर जो पॉकिन फोन कर जो इनी गारंटी नहीं आप तो। हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, जैसी बस आएगी उसमें बैठ के हम यहाँ से निकलेंगे। ये जो देख रहे हो यहाँ पीछे, ये अहमदाबाद का रानी बस स्टॉप है, यहाँ पर अभी मैं पहुँचा हूँ। ये जो रोड है ना, ये नेशनल हाईवे है वडोदरा जाने के लिए। अभी मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, कल 10:30 बजे फिर से। मामी मजा मजा नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल दवे। देखो अपलोड चल रहा है, यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है आप सभी लोगों के लिए, ताकि टाइम पर आप तक वीडियो पहुँच जाए। और आज मैं निकलने वाला हूँ वापस वडोदरा के लिए। अब जर्नी करते हैं थारा से वडोदरा की, यानी कि बनासकांठा से वडोदरा हम जाने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे मेरी बस है, लेकिन अभी बज चुके हैं 7:06 बजे से मैं छत पर आया हूँ आपके लिए। मैंने टाइम लैप्स लिया, अभी अपलोड भी कर रहा हूँ, नहा धो के एकदम रेडी वेडी होके 10 बजे की बस में निकलने वाला हूँ वडोदरा के लिए, और आप सभी लोगों को इस जर्नी में शामिल करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा विशाल दवे के साथ आप सभी लोगों को भी। चलो यार जल्दी से जल्दी इसको अपलोड करते हैं, तैयार वगैरह होते हैं। 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, यहाँ से हमको 8:30-9 बजे निकलना पड़ेगा अगर बस स्टैंड पे टाइम से पहुँचना है तो। ऑलरेडी 8:43 बज चुके हैं। ये हमारा सामान है, देखो ये जो बैग है ना, जो पीछे वाली चेन है, इसमें मैं लैपटॉप रखता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कपड़े रखता हूँ, और जो ज़रूरत की सामान है वो सारी सामान सामने वाली चेन में आती है। टूथब्रश भी मिल गया, तो इस बैग में मैं इन सब चीज़ों को रखता हूँ। क्या दे रिया? ये 5 रुपये ले ले। 5 रुपये? हाँ तेरा तेरा तेरा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रख, अबे मेरे को देने का होता है, तेरे को देने का नहीं होता, रख अपने पास। देख रहे हो छोटे भाई का प्यार देख रहे हो? अरे भाई रख। अरे ना भाई, पहला बैग, ये दूसरा बैग बुआ को जाके देना है बड़ौड़ा में, और ये बैग में मेरा पूरा सामान है। इसमें है कुछ खाने का सामान जो कि मैं बुआ के घर में छोड़ूंगा, तो कुरकुरिया खाजे मारे ना दिखाओ। रेडी जाऊ से? बापा को थोड़ा सा दुख है क्योंकि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आदमी जाता क्यों है, वापस लौट के आने के लिए। अपन जा रहे हैं, वापस लौट के जरूर आएंगे। बैग वैग सब पैक हो गया है, टाइम भी यहाँ पर हो चुका है हमारे जाने का। हेलो गाइज, हेलो हेलो हेलो, देख रहे हो रेडी हो गए हैं और अब यहाँ से निकलने वाले हैं। बाय 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 बाय, अपना सब कुछ हमने ले लिया है। हाय हाय, बाय 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 बाय, भाइयों का प्यार है समझ रहे हो। मासी बाय 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 बाय। अरे भाई मासी ने जो बात है, लागू जीवता रहो मड़िए बराबर आओ पजी। नानी जी सबसे डेंजरस है, जीवता रहो ब्याज सुखी रो न पाथा पॉकिन फोन कर जो पॉकिन फोन कर जो। एनी गारंटी नहीं आप तो। एनी गारंटी नहीं, करिश हो करिश ना करिश। जो बाय करिश, चलो बाय बाय। अच्छा उनका मूड अभी सही है इसलिए ठीक है, मूड खराब होता तो। देख रहे हो बाबा जी एकदम रेडी, निकलते हैं फिर अपन, है ना। तो अभी हम लोग हैं थारा के बस स्टॉप पे, हम लोग जल्दी पहुंच गए, एक्चुअली 9:10 को हम लोग पहुंच गए, लेकिन बस है हमारी 10 बजे की, 10 बजे बस आएगी। अभी हम लोग को करीब करीब 40 मिनट्स यहाँ पर बैठना है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, ठीक है, जैसी बस आएगी उसमें बैठ के हम यहाँ से निकलेंगे। इस तरफ से बस आएगी और फिर उस तरफ की हो जाएगी, दैट मीन्स की बस आएगी दियोदर की तरफ से और जाएगी वडोदरा की तरफ। अभी तो इंतज़ार करते हैं बस का, जैसी बस आएगी वैसे निकलेंगे, टाइम हो गया बस के आने का। ओके तो हमारी बस आ गई है, अभी हम इसमें बैठेंगे। बैठ गए अपन बस पे, बराबर।
अभी मैं पहुंचा हूं अहमदाबाद के रानी बस स्टॉप पे। ये जो देख रहे हो यहाँ पीछे, ये अहमदाबाद का रानी बस स्टॉप है। यहाँ पर अभी मैं पहुंचा हूँ। यहाँ से वडोदरा जाने में अभी हमको 2 घंटे और लगेंगे। अभी यहाँ पर उतरे हैं अहमदाबाद में, 5-10 मिनट का हॉल्ट है बस, वहाँ पर खड़ी हुई 5-10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो मैं पूरे सफ़र में कहीं पर नीचे नहीं उतरा, लेकिन यहाँ पर उतरा हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ खाने पीने का ले लूँ। हैं, अच्छी बात है, जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं सफ़र होगा कैसे। अभी थोड़ी ही देर में हमारी बस फिर से चलना शुरू हो जाएगी और उसमें बैठ के फिर हम निकलेंगे वडोदरा बेबी। ओके, बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है यहाँ का, और जितनी भी बसेस आती हैं ना अहमदाबाद की तरफ वो इसी बस स्टैंड पर रुकती है, रानी बस स्टैंड पर। हमेशा याद रखना, अगर अहमदाबाद आ रहे हो तो रानी बस स्टैंड पे ही बस ज़्यादातर रुकती है। गुजरात ट्रैवल कर रहे हो, अहमदाबाद आ रहे हो तो रानी बस स्टैंड याद रखना। एक्चुअली मैं वहाँ पर पूछा था उस शॉप में कि आपके पास स्टिंग मिलेगी क्या, लेकिन उन्होंने बोला कि स्टिंग नहीं है, तो हम स्प्राइट ले लिए हैं। स्प्राइट से ही काम चलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ठंडा होना ज़रूरी है यार, वरना बस में ना आपको पता ही है कैसी हालत हो जाती है, तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ प्रेफर करता हूँ ऐसा ठंडा। तो अभी मैंने स्प्राइट ले लिया है, स्टिंग नहीं मिली तो स्प्राइट ले लिया, इसको पीते हुए सफ़र करते हैं। ओके चलो, देखो तो वो टोल टैक्स दिख रहा है आपको, वो टोल टैक्स इसके उस पार अहमदाबाद पड़ता है। और ये जो रोड है ना, ये नेशनल हाईवे है वडोदरा जाने के लिए, ठीक है। वडोदरा सूरत इसी हाईवे से जाया जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ से गुजरना है तो वो टोल टैक्स का सामना आपको करना पड़ेगा। वो अहमदाबाद से वडोदरा के बीच का टोल टैक्स है, देख रहे हो। चाय वाय पीने के लिए यहाँ पर रोका जाता है बस। हमें बिल्कुल भी अभी मन नहीं चाय वाय पीने का, अभी मैंने स्प्राइट पी है तो अब चाय वाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीने वाला, लेकिन बस यहाँ पर रुकी हुई है। हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो भी गए हैं चाय वाय पीने के लिए, और जो कंडक्टर साहब थे वो भी गए चाय वाय पीने के लिए। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑयली दिख रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑयली दिखना लाजमी है। ब्लॉगर का काम क्या, आपको नेचुरैलिटी दिखाए, जो नेचुरल वो है वैसा आपको दिखाए, ये एक ब्लॉगर का काम होता है, जो मैं अभी आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सीधा जाता है वडोदरा की तरफ, और वहाँ से अभी हम लोग आए वो अहमदाबाद का रास्ता है। अहमदाबाद सिटी के अंदर ही 1 घंटे लग जाते हैं बस को घूमते घूमते। अहमदाबाद बहुत बड़ा है, अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो तो आराम से टाइम लेके आना घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, ठीक है। वडोदरा भी कम नहीं यार, वडोदरा भी बेस्ट जगह है घूमने के लिए, आपका मन जहाँ भी आप घूमना चाहो। मंगल बाजार का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, मंगल बाजार आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है वो वडोदरा का। देखो सब आ गए हैं, सर लोग आ गए हैं, बस निकलने वाली है, बस के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है चलो। पहुंच गए हैं, वी रीच्ड वडोदरा। ओके चलते हैं बुआ के यहाँ, देखो कितना सारा सामान है, पीछे भी सामान है, आगे भी सामान है, बहुत सारा सामान है, तो चलना पड़ेगा, जल्दी चलते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, ये देखो ये पीछे रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अभी हमको काम नहीं है, कल सुबह हमको यहाँ पर आना है। क्यों आना है वो बहुत जल्द आप सभी लोगों को पता चल जाएगा, इसके लिए आपको कल का व्लॉग मेरा देखना पड़ेगा। अभी कुछ अच्छा व्हीकल मिलेगा, उसमें बैठ के अपन जाएंगे सबसे पहले बुआ के यहाँ, उसके बाद अपने रूम पर जाके कपड़े वपड़े सब बटोरेंगे, क्योंकि कल निकलने वाले हैं कहीं बाहर के लिए। कहाँ जा रहे हैं आपको ज़रूर बताएंगे, अभी इंजॉय करो। ओके जस्ट सामने ही मेरा घर है। इस ब्लॉग के अंदर आज आप सभी लोगों को मैंने दिखाया कि मैं कैसे अपने घर से वडोदरा तक आया। अगर अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। इसी के साथ जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। विशाल दवे को विदा दीजिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कल 10:30 बजे फिर से मामी, मजा आवा। चलो ठीक है, थैंक यू कल 10:30 बजे फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।